हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गुप्ता सर। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर डबल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज एंडोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस एंडोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, बिलोंग्स टू द मल्टी रेजोनेंस ईएसआर टेक्निक्स। मल्टी रेजोनेंस ईएसआर टेक्निक्स कई प्रकार की होती है, जैसे एंडोर, एल्डोर। उनमें से आज हम डिस्कस करेंगे एंडोर पर। एंडोर में क्लियर ई डेजिग्नेट करता है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर, डी डबल और आर रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मींस वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर यानी कि दो रेजोनेंस, डबल रेजोनेंस है इसमें। तो डबल रेजोनेंस किस चीज का है, किस प्रकार से है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एंडोर को पढ़ने से पहले हम ईएसआर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईएसआर के बारे में जो मैं अपनी पुरानी वीडियो लेक्चर है उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, उसमें सारे बेसिक फंडामेंटल ईएसआर से संबंधित मैंने दे रखे हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट हम करते हैं ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एज वी नो, ईएसआर इज अ टेक्निक विच इज यूज टू ऑब्जर्व एंड मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन विद, किसके साथ इंटरेक्शन देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन देखते हैं और इन मैग्नेटिक फील्ड। इन अ मैग्नेटिक फील्ड हम एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन देखते हैं किसके द्वारा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसका लिंक मैं नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको डिटेल देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इससे आगे। तो जब हम ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं तो वहां पर जो हमें सिग्नल मिलता है, वो जो सिग्नल मिलता है काफी ब्रॉड होता है, ठीक है ना। वो ब्रॉड होता है, बेसिकली क्या है, ब्रॉड सिग्नल क्यों मिलता है, ब्रॉड सिग्नल मिलने की वजह है क्योंकि इसका रिलैक्सेशन टाइम है। जो रिलैक्सेशन टाइम है, जो इसका रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, वो बहुत लो होता है, इज वेरी लो। और आप लोग जानते हैं जो रिलैक्सेशन टाइम है वो विड्थ के क्या होता है, विड्थ ऑफ सिग्नल, उसके रेसिप्रोकल होता है। जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा उसकी विड्थ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। देयरफोर जो सिग्नल होता है ईएसआर का सिग्नल होता है बहुत ही ब्रॉड होता है, काफी बड़ा होता है। इसकी वजह से क्या है कि आपको जो उसका जो सिग्नल स्पेक्ट्रा हमें मिलता है वो स्पेक्ट्रा काफी पास, बेसिकली उसमें रेजोल्यूशन उतना फाइन नहीं होता है। तो जो सिग्नल है उसको आइडेंटिफाई करना किसी मल्टीप्लेट में वो एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, किसमें, ईएसआर में। तो अब ये बड़ी प्रॉब्लम आई कि इसको हम सर कैसे स्पेक्ट्रा को एनालाइज कैसे करें, किस तरीके से उसको पढ़ा जाएगा। तो उसके बारे में जब हम देखते हैं, मैं इसको फॉर एक एग्जाम्पल भी देता हूं कि किस तरीके से हम करते हैं। अगर हम जैसे 9-10 डाइमिथाइल एंथ्रासीन है, को जब देखते हैं तो इसका ये और ये रेडिकल कैटायन है, ये क्या है, एक रेडिकल कैटायन है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप जब इसका स्पेक्ट्रा देखते हैं ईएसआर का, कुछ इस प्रकार का मिलता है। जो ईएसआर का स्पेक्ट्रा होता है ये किसमें मिलता है, ये हमें गॉस में मिलता है या टेस्ला, ठीक है ना।
वन टेस्ला होता है 10,000 गॉस, तो ये हमें गॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। तो ये जब हम इसको देखते हैं ये लगभग 3,000 से 3,000 3,033 से स्टार्ट होके लगभग 4,500 के आसपास तक हमें ये मिलता है। तो यहाँ पे जब हम स्पेक्ट्रो को इसको देखते हैं तो इसमें जो जो सिग्नल है उनका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके जब हम इसका एंडोर स्पेक्ट्रा चेक करते हैं, जब एंडोर को हम देखते हैं एंडोर स्पेक्ट्रा में, वो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि अभी केवल एक मैं एग्जांपल के साथ इसको कंपेयर करना चाह रहा हूं। तो जब कंपेयर हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं हमें जो जो पीक्स हैं, जो लाइंस हैं, वो बड़ी क्लियर दिखाई देती है। इसमें देखिए एक बड़ा सिंपल सा इसका बेसिक फंडामेंटल, जो इसमें हमें वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होते हैं वो होता है मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यहां पे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हमें ये पीक्स मिलती हैं। और ये ए मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था, ए यहां पे क्या है, हाइपर फाइन कपलिंग कॉन्स्टेंट, हाइपर फाइन कपलिंग, ए यहां पर हाइपर फाइन कपलिंग है और इसको मेगा हर्ट्ज में हम लोगों को ये वैल्यू मिलती है। और ये जो पीक्स है ये बड़ी क्लियर कट दिखाई देती है, ये जो पीक्स हमें दिखाई देती हैं ये बड़ी क्लियर दिखाई देती हैं। जैसे जब हम गॉस के बारे में देखते हैं, हम मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ी सी एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूं, जब हमें अगर दो पीक की जो डिस्टेंस है अगर वो गॉस में देखते हैं तो गॉस में अगर 6.3 गॉस के हमें कोई डिस्टेंस मिल रही है, तो अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं जो हमें इसमें कन्वर्ट नहीं करते, जब हमें मिलेगी मेगा अर्थ की फॉर्म में तब हमें कितने पे मिलेगी, वो नियरली 17.67 मेगा हर्ट्ज पे, जो गैप है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारी जो पीक्स है जो सिग्नल्स हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं। तो ये किस प्रकार से मिलेंगे, किस तरीके से हम इसमें सिग्नल में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो यही सब चीज़ हमें आगे पढ़ना है। तो बेसिकली मैं आपको इसका एप्लीकेशन पहले बता रहा हूँ कि एंडोर बेसिकली है क्या। तो एंडोर या कोई भी मल्टी रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टेक्निक है उसमें बेसिकली जो हमें पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पुरानी यानी ESR का ये एडवांस वर्जन है, ESR में जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारे मेथड है वो हमारा एंडोर है, कि जो स्पेक्ट्रा मिला है उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर तो सेवरल टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, जैसे जो मल्टी रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसमें हम आज एंडोर पढ़ेंगे। तो एंडोर है क्या, एंडोर जो टेक्निक है ये एंडोर इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ESR which is mainly used किसके लिए करते हैं, to increase the spectral resolution of weak hyperfine कपलिंग। जो वीक हाइपरफाइन कपलिंग हमें मिली है उसका हमें क्या करना है, रेजोल्यूशन बढ़ाना है। ये एंडोर का मेन एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो सो दैट ओवरलैपिंग और अनरिजॉल्व हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इन कन्वेंशनल ESR स्पेक्ट्रा कैन बी डिटेक्टेड इजीली, ठीक है ना, इन बाय द हेल्प ऑफ एंडोर, ये इसका मेन एप्लीकेशन हमारा हो गया है। तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है, तो दिस हेल्प्स इन लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स इजीली, ठीक है ना। और इसके अलावा ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके लिए, जो ऑरिएंटेशंस है एटम्स का, ठीक है ना, ये सराउंडिंग पैरामैग्नेटिक सेंटर उसके बारे में भी हमें बताता है। और यहाँ पे मैं आपको एक मजे की बात बता देता हूँ, दिस वॉज द फर्स्ट टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रिजॉल्व इंट्रैक्शन इन कहाँ पर, इन इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कि ESR में पहली टेक्निक थी, ठीक है, जो इंट्रैक्शन को रिजॉल्व करने के लिए यूज की गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कि जो
ये एंडोर यूज करते हैं तो इसमें क्या है, किस तरीके से है, इसके बारे में हम बात करते हैं, जो इसका बेसिक फंडामेंटल है या प्रिंसिपल कह सकते हैं हम उसके बारे में, फिर उसकी मैकेनिज्म किस तरीके से काम करती है। तो दो चीज़ों में मैंने इसको बांट लिया अपने टोटल प्रिंसिपल को, कि एक बेसिक फंडामेंटल, फिर दूसरे उसका मैकेनिज्म किस तरीके से काम करने वाली बात है। तो बेसिकली जो एंडोर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये दो तरीके की होती है, एक होती है कंटिन्यूस वेव CW, यह है कंटिन्यूस वेव। एंडोर को हम दो क्लास में बांट रहे हैं, CW मीन्स कंटिन्यूस वेव एंडोर एक्सपेरिमेंट्स, दूसरा होता है पल्स एंडोर। पल्स एंडोर, बट आज हम अपनी अपने वीडियो लेक्चर में केवल CW एंडोर, मतलब जिसमें स्टैंडर्ड कंटिन्यूस वेव हम यूज करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं जो CW एंडोर है, स्टैंडर्ड कंटिन्यूस वेव एंडोर एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई सैंपल है, ये एक सैंपल है जो सेम ESR में करा है। ESR और इसमें फर्क क्या है, ESR में केवल माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज किया जाता है और एंडोर में डबल रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर डबल रेजोनेंस, तो यानी कि दो किसी चीज का यूज होने वाला है। तो फर्स्ट जो सैंपल है, सैंपल को क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर दिया, अब इससे इसमें एनर्जी, जो एनर्जी लेवल्स है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम इस पे क्या डालते हैं, माइक्रोवेव इंप्लीमेंट करते हैं। फिर इस पे सबसे पहले हम क्या डालते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशंस इंप्लीमेंट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिला, माइक्रोवेव रेडिएशंस आपने डाले तो हमें ट्रांजिशंस मिले, यहां पे हमें क्या मिलने लगे, ट्रांजिशंस मिले, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, जंप करके हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, फिर वापस आएगा। बट माइक्रोवेव रेडिएशन डालने के बाद हम इसमें क्या चीज डालते हैं, इसमें हम साथ साथ में रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी भी डालते हैं। इसके बाद माइक्रोवेव के बाद इसमें क्या डालते हैं, रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी, रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी भी इसमें हम यूज करते हैं। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीन्स इन एन इंडोर एक्सपेरिमेंट अ रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव फील्ड इज अप्लाइड इन एडिशन टू अ माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली देयरफॉर एंडोर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस EMR टेक्निक दैट ऑफन इज डिस्क्राइब एज EPR डिटेक्टेड NMR, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर हाइपरफाइन कपलिंग बिटवीन एंडोर में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ESR में कर रहे हैं, ESR से थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर हाइपरफाइन कपलिंग, आप लोगों ने जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर हाइपरफाइन कपलिंग, इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है और इसका ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, और जो न्यूक्लियस है इन दोनों के आपस में इंट्रैक्शन से, दोनों के मैग्नेटिक इंट्रैक्शन से, ठीक है ना। तो इसको हम क्या, जो हाइपरफाइन कपलिंग, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर हाइपरफाइन कपलिंग, ठीक है ना, बिटवीन द किसके बीच में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेबरिंग न्यूक्लियाई, नेबरिंग न्यूक्लियाई इस अनपेयर्ड पे हम चेक कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये हम ज्यादा क्लियरली आसानी से मेजर कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंडोर। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा और आगे डिटेल में देखते हैं, ये हमने पहले भी लास्ट अपने वीडियो लेक्चर्स में भी कुछ बात करी है, उनके लिंक मैं इसमें दे दूंगा, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, तो किस तरीके से इसमें काम होता है, किस तरीके से मैकेनिज्म है, ये बड़ा सिंपल सा है। तो जो न्यूक्लियाई है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की विसिनिटी में, मतलब वो मौजूद है, ठीक है ना, तो वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जो आपका जो ESR है, ESR का बेसिक प्रिंसिपल है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका हाफ प्लस माइनस हाफ, अभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड इंपोज करते हैं, हमने क्या किया, इस पर
एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मतलब यहां पे अप्लाई कर दिया, तो अब ये आपके इसके दो एनर्जी लेवल्स माइनस हाफ प्लस हाफ, ये है आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इंपोज करा, अब यहां पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक इंट्रैक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या है, जब अगर हाइड्रोजन के केस में हम देखते हैं, जब एम आई की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है ना, एम आई की वैल्यू जब हाफ होती है, न्यूक्लियर स्पिन हाफ है, उस केस में इसका इंट्रैक्शन फिर से शुरू हो जाता है। इनर्जी लेवल मतलब, ये इनर्जी लेवल्स के बारे में पहले भी बात कर सकता हूँ, करी थी, दोबारा से फिर बताता हूँ। जब कोई एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जब उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो उसके एक बार अलाइन हो जाता है और एक बार अपोजिट हो जाता है, तो हमारी दो एनर्जी लेवल जनरेट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब ये एनर्जी लेवल है, ये न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो उस टाइम भी क्या होता है, दो एनर्जी लेवल, ये वाला जो आपका एक एनर्जी स्टेट है, ये इसको हम मान लेते हैं ई ई वन, ये ई वन है, ये ई टू है, एक नाम दे दिया इसको हमने एनर्जी चेक भी, इसका फार्मूला था म्यू बी एन जी, म्यू जी बी, ये हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, बट अभी हम इसको ई वन से डेजिग्नेट करते हैं, और ये जो नई एनर्जी लेवल बनेगी ये ई वन डैश है, ठीक है ना, ई वन डैश, ई टू डैश, और फिर इसी तरीके से ये भी दो तरीके से इंट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर भी बन गई ई थ्री डैश, E4 डैश, ये नई एनर्जी लेवल्स हो गए। तो ये हम ESR में पढ़ चुके हैं कि ESR में आपका किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना। अब यहां पर जो आपका एंडोर है उसमें और इसमें क्या क्या फर्क आता है, अब उसको दोबारा से शुरू से, मैं अब यहां पे एक बार, ये मैंने एक बार बेसिक दोबारा से रिकॉल किया है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले पहले एंडोर का बेसिक एक बार फंडामेंटल दोबारा से रिकॉल। जो एंडोर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये दो लिक्विड और सॉलिड स्टेट के लिए एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स बोथ, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, बट यहां पे दो चीजें हैं, लिक्विड के लिए तो केवल आइसोट्रॉपिक हाइपरफाइन कपलिंग ऑब्जर्व करी जाती है, आइसोट्रॉपिक हाइपर फाइन कपलिंग, जिसको ए से डेजिग्नेट करते हैं, आइसोट्रोपिक हाइपर फाइन कपलिंग को, और जो सॉलिड्स में होती है, सॉलिड में दोनों प्रकार की कपलिंग होती है, बोथ आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक हाइपरफाइन कपलिंग एंड एन आइसोट्रोपिक हाइपरफाइन कपलिंग, इसको तो ए से डेजिग्नेट करते हैं और इसको बी से डेजिग्नेट करते हैं। तो हम ये जो एंडोर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सॉलिड स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल होती है, लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, लिक्विड स्टेट में हमें क्या मिलता है, क्या ऑब्जर्व होता है, आइसोट्रोपिक हाइपरफाइन कपलिंग मिलती है, और सॉलिड स्टेट में दोनों प्रकार की मिलती है, आइसोट्रोपिक भी एनआइसोट्रोपिक भी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, आइसोट्रोपिक कपलिंग को ए से डेजिग्नेट करते हैं और एनआइसोट्रोपिक कपलिंग को बी से डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। अब इसका और आगे जो इसका मैकेनिज्म वाला पार्ट है, मतलब किस तरीके से शुरुआत होती है, वहां पर पहुंचते हैं, तो जो एंडोर के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके लिए एस की वैल्यू आपकी हाफ होती है, प्लस माइनस हाफ, और जो आपका प्रोटॉन है, अगर हम न्यूक्लियर स्पिन भी इसमें कंपलसरी है, न्यूक्लियर स्पिन अगर हम आई है तो उसके लिए हाफ होगा, हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियर स्पिन हाफ होता है, तो इसी तरीके से आई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंडोर के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि आई की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब न्यूक्लियर स्पिन उसमें होना चाहिए, तभी वो इंट्रैक्शन होगा और तभी हम एनर्जी लेवल्स बनेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होंगे, और जब रेडियो वेव डालेंगे तो उसमें न्यूक्लियर ट्रांजिशन हमें मिलेंगे, जो एंडोर का पार्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, अब इसमें इंट्रैक्शन किस प्रकार के होते हैं, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंप्रूव करते हैं तो हमारे ट्रांजिशन, ये हमारे जो पहले ESR में चार प्रकार के ट्रांजिशन हमें मिलते हैं, फोर टाइप ऑफ ट्रांजिशन,
आपको मिलता है इजेट इलेक्ट्रॉन जीमन ट्रांजिशन या इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन जीमन इंट्रैक्शन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन जीमन इंट्रैक्शन, और दूसरा है एनजेड न्यूक्लियर जीमन इंट्रैक्शन, तीसरा आपको मिलता है हाइपरफाइन कपलिंग वाला HFS हाइपरफाइन, हाइपरफाइन इंट्रैक्शन, हाइपरफाइन इंट्रैक्शन, चौथा मिलता है Q, ये NQR वाला न्यूक्लियर क्वाड्रोपोलर, न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पर भी मैं अपनी एक वीडियो बना चुका हूं NQR पर, उसके बारे में आप वहां पर थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं क्वाड्रोपोल इंट्रैक्शन, न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल इंट्रैक्शन, ये मेरी पुरानी वीडियो है लेकिन ये इसमें दो वीडियो मैंने बनाई है, सिक्स वाली और एक और दूसरी वीडियो है, दोनों में पूरा डिटेल में NQR दिया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जीमन इंट्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंट्रैक्शन किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंट्रैक्शन। जो NQR जो सॉरी NZ न्यूक्लियर जीमन इंट्रैक्शन है, इसमें इंट्रैक्शन क्या देखते हैं, जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाया, ठीक है ना, और हाइपर फाइन स्प्लिटिंग जो आपका होता है, ये इंट्रैक्शन क्या चीज होता है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का स्पिन है और जो आपका प्रोटॉन का स्पिन है, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है, ठीक है ना, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है, जो कपलिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं, दोनों के बारे में, ठीक है। और अब ये क्यों न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल, ये जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है उसका किस तरीके से न्यूक्लियस के ऊपर इंट्रैक्शन होता है, ये चार इंट्रैक्शन यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से जो माइक्रो भाई एंडोर में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एक होती है देखिए फिक्स्ड माइक्रोवेव रेडिएशन या फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, फिक्स्ड होती है, ठीक है, इसको हम फिक्स कर देते हैं, और दूसरा होता है वेरिएबल रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी, वेरिएबल रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी मतलब पहले हम फिक्स माइक्रोवेव, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जीमन ट्रांजिशंस देखते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक जीमन ट्रांजिशन, यहां पे आपको क्या मिलता है, इजेड ट्रांजिशंस मिलता है, ठीक है, और फिर जब रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी हम लोग लगाते हैं तब आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको न्यूक्लियर ट्रांजिशंस आपको मिलने लग जाते हैं एनजेड, ठीक है जी। अब किस तरीके से इसमें और जो आपका जो विसिनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन का एनवायरनमेंट है, वो किस तरीके से इसमें इंपैक्ट करता है, यानी कि इंपैक्ट जो क्यू का इंपैक्ट है उसका डिटेल हम NQR में पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम केवल क्या देखेंगे, जो हाइपरफाइन कपलिंग हुआ है उससे किस तरीके से इसमें चेंजेस आ रहे हैं, केवल इस वाली यूनिट में जो आज हम वीडियो बात कर रहे हैं उसमें केवल हाइपरफाइन कपलिंग का इंट्रैक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है जी। मेन चीज है जो एंडोर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एंडोर स्पेक्ट्रा है, जो एंडोर स्पेक्ट्रा है इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव साइज ऑफ हाइपरफाइन कपलिंग, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड कह लो या रिलेटिव साइज कह लो, रिलेटिव साइज या मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपरफाइन कपलिंग, ये इस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, और जो जो आपने एंड जो रेडियो वेव आपने इंपोज करी है, जो एंडोर स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। तो आज हम केवल इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, मेन हमारा ये था। अब हम अपनी थीम पे पहुंच चुके हैं, किस तरीके से स्पेक्ट्रा मिलेगा
और किस तरीके से ये इंटरेक्शन होकर हमें नई एनर्जी स्टेट्स मिलते हैं उसके बारे में बात करें। हाइपरफाइन कपलिंग जो है, हाइपरफाइन स्पेक्ट्रा जो है, वो मैं अपने वीडियो में लास्ट में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आज डिस्कस बेसिक्स उसके हमने कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं जो ये हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट होता है। तो जो हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है, न्यूक्लियस के अपनी नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो फिक्स होता है, उसको हम चेक करते हैं। ये हमारा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आई की वैल्यू हाफ है किसी न्यूक्लियस के लिए, एम आई की वैल्यू अगर हाफ है, तो उसके लिए जो हाइपरफाइन कपलिंग है हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट है वो होता है 1/4 a। अगर आपने, हमने चेक किया न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू कितनी है, अगर हाफ है उस केस में आपको हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट कितना मिलता है, वो मिलता है 1/4 a। अगर एम आई की वैल्यू 1 है उस केस में आपको हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट कितना मिलता है, 1/2 a मिलता है। ये आपको बुक्स में, सभी बुक्स में दिया रहता है। हमें इस पॉइंट का यूज करना है अपने स्पेक्ट्रा को निकालने में, किस तरीके से हमें स्पेक्ट्रा निकलने वाला है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, तो जो एंडोर स्पेक्ट्रा है, जो एंडोर स्पेक्ट्रम है, इसमें जो हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट है या हाइपरफाइन कपलिंग है, ठीक है ना, इट कंसीडर एज हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट, कंसीडर एज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट कंसीडर्ड एज एन एडिशनल फील्ड। ये एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड की तरीके से काम कर सकता है, विच कैन ऐड और सब्स्ट्रैक्ट, जिसको जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किसने पैदा किया, एक्टिंग ऑन द न्यूक्लियस, ये किस पे लगा रहा है, एक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक्टिंग ऑन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस पे लग रहा है, बट पैदा कौन कर रहा है, ऑरिजिनेट किसके द्वारा पैदा हो रहा है, बाय स्पिनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो बाय इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, वो जो न्यूक्लियस पे अपना मैग्नेटिक फील्ड इंपोज कर रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में जो हाइपरफाइन कपलिंग ये वैल्यू है, हाइपरफाइन कपलिंग जो है, जो मतलब इंट्रैक्शन के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसकी वजह से हमें नया स्पेक्ट्रा मिलता है, जिसमें हमें एंडोर स्पेक्ट्रा मिलता है। इज दैट क्लियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोबारा से आप लोग अच्छे से गौर से समझ लीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब ई एस आर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें, आपने जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, दो एनर्जी लेवल्स, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एम एस की वैल्यू हाफ की, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इम्पोज करा, दो एनर्जी लेवल जनरेट हो गए, एक हो गया है एम एस माइनस हाफ, दूसरा बन गया है एम एस प्लस हाफ। यह है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इम्पोज करने पर। अब आपका न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन शुरू हुआ, तो आपके दो एनर्जी लेवल्स फिर से जनरेट हो जाते हैं, ये आपका आ गया यहाँ पे। जब आई की वैल्यू क्या है, इसमें आई की वैल्यू क्या है, इसमें आई की वैल्यू हाफ है, मैं लिख देता हूँ एम आई यहाँ पर हाफ है, मतलब ऐसा हमें लेना है जिसमें आई की वैल्यू क्या है, हाफ है। अब आपका यहाँ पे एम आई क्या है, ये हाफ है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और ये वाला चला गया माइनस हाफ, ठीक है। ये एम आई की, चलिए मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, एम आई प्लस टू माइनस हाफ, ये प्लस था तो यहाँ पे आ गया एम आई माइनस हाफ, और ये चला गया एम आई प्लस हाफ, ये हमें इंट्रक्शन मिलता है।
अब बात आई एंडोर की, तो जो अब अगर एम आई की वैल्यू हाफ है तो इसका हाइपरफाइन कपलिंग कितना होगा, वो इसमें एड ऑन होगा। एड ऑन का मतलब क्या है कि इस एनर्जी लेवल्स में जो इंट्रेक्शन हुआ है उस इंट्रेक्शन से ये एनर्जी लेवल में या तो जुड़ेगा या घटेगा। अब ये इसके लिए हाइपरफाइन कपलिंग की कितनी वैल्यू होगी, हाफ के लिए 1/4 a, यानी सपोज कर लेते हैं ये एनर्जी लेवल इस वक्त इसकी एनर्जी e1 है, जो हम फार्मूले से निकालते हैं वो आती है म्यू जी बी, जो फार्मूला है उसमें हमने इसको e1 मान लिया, ये e2 है और इस वाले पूरे एनर्जी लेवल को डैश है e1 डैश, और ये e2 डैश, ये e4 डैश, ये e3 डैश और ये e4 डैश। अब इसके बाद जो एनर्जी लेवल्स आएंगे उनको डबल डैश से डेजिग्नेट करेंगे। जैसे ये आपका था, ये प्लस हाफ में था, जब प्लस हाफ में था तो अब आपका ये इंट्रेक्शन जो होगा इसमें क्या है, ये माइनस में चला जाएगा, कितना जाएगा -1/, यानी कि ये आपका जो बना है यहां पे -1/4a, जो भी एनर्जी लेवल, तो इसकी एनर्जी लेवल बन गई है e"(1)। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये माइनस में है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये एड ऑन हो जाएगा हाफ, तो यानी ये लेवल एनर्जी लेवल क्या हो गया, ये +1/4a, इसकी एनर्जी लेवल मान लिया e"(2)। अब यहां पर क्या है, ये जो ये देखिए, ये यहाँ पे प्लस में था तो प्लस का नीचे चला गया माइनस में, अब जो माइनस में है तो इसमें 1/4 क्या हो जाएगा, इसमें एड ऑन होगा, एड ऑन होगा तो एनर्जी लेवल कहाँ जाएगा, यानी कि इसमें +1/4a, इसका हमने मान लिया e"(3)। और जो ऊपर वाला प्लस में है, प्लस वाले का क्या होगा, माइनस में, तो यानी कि ये एनर्जी लेवल नीचे आ जाएगा, ये बन गया आपका e"(4)" और इसमें -1/4a। इस तरीके से हमारे नए एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं। अब जब हम इसमें देखते हैं, जब माइक्रोवेव इंप्लीमेंट करते हैं तो जो हमें ट्रांजिशन मिलता है वो माइक्रोवेव एनर्जी डालने पे क्या मिलता है, देखिए वो एक ट्रांजिशन, मैं इसको ब्लू लाइन से बना देता हूँ जिससे कि आपको ट्रांजिशन क्लियरली दिखाई दे। जो ब्लू लाइन के ट्रांजिशन है वो आपको क्या दिखाएंगे, वो दिखा रहे हैं ये ब्लू वाले हैं ESR वाले ट्रांजिशन, मतलब जो माइक्रोवेव डालने पे हमें मिलते हैं, ये थोड़ा पास पास होते हैं, क्लियर नहीं होते, और जो आपके एंडोर के हैं वो एनर्जी लेवल के हैं, ये क्लियर सेपरेशन दिखाई देता है। ये एक पीक आपको यहां मिलेगी एक सिग्नल, और एक सिग्नल यहां पे मिलेगा, ये एंडोर के हैं, ये एंडोर सिग्नल मिलेगा, दिस वन इज ऑल्सो एंडोर। तो इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, इस तरीके से, यानी कि जो सिग्नल हमें ESR में बड़ा फाइन, बड़ा पास पास मिल रहा है, जो बहुत ही, जिसका रेजोल्यूशन बहुत कम है, उसको हमें ESR में जो एंडोर में है तो उनके हम एक दूरी मेगाहर्ट्ज की फॉर्म में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें स्पेक्ट्रा रेजोल्यूशन क्लियर मिलता है तो हम उसका एनालिसिस भी क्लियरली कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 1 होती तब आपका ये क्या हो जाता, ये 1/2 हो जाता। ये एनर्जी में बेसिकली क्या है, जो हाइपरफाइन कपलिंग है, जो ESR में इंट्रेक्शन हुआ था, हाइपरफाइन कपलिंग हुई थी, उसमें एड ऑन हो जाती है एनर्जी, जो न्यूक्लियस ने, न्यूक्लियस पर जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड इम्पोज हो रहा था, जिससे उसमें जो चेंजेस आ रहे थे, उसमें ये परिवर्तन ले आता है जिससे नए एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं। अब ये ट्रांजिशंस क्या है, ये जब माइक्रोवेव डाला तो पहले ट्रांजिशंस मिलते हैं, और जब न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स डाले तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशंस दूसरे मिलते हैं। इस तरीके से ये डबल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, माइक्रोवेव पहले इम्पोज करते हैं, देन उसके बाद हम रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी से न्यूक्लियर ट्रांजिशंस हमें यहाँ पे मिलने शुरू हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एंडोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।